धनबाद के शहीद शशिकांत पांडे के परिजन 5 महीने बाद भी सरकारी मदद की बाट चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। जूड़ा पोखर के इसी टूटे फूटे घर में रहते हैं शहीद शशिकांत पांडे के परिजन। दो भाई परिवार से अलग हो गए हैं, अब कुंवारी बहन की जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं है। अनुकंपा पर नौकरी के लिए परिजन धनबाद से लेकर रांची के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। विधायक, संसद, माने कोई नेता ऐसा बाकी नहीं थे। आज तो कोई पूछने वाले नहीं है कि राजेश पांडे कैसे हैं, किस तरह आपका बाल बच्चा चल रहा है। नौकरी मिलने के बाद मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद बस एक और कि हमारा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, हम लोग लेटर ही भेज रहे हैं। कोई तो करने के लिए नहीं आ रहा, जी का हो रहा है, कैसे हो रहा है, का कैसे आप लोग खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। 17 दिसंबर 2016 को धनबाद के लाल शशिकांत पांडे जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे। तब झारखंड सरकार ने शहीद के परिजनों को हर संभव मदद देने का वादा किया था, लेकिन 5 माह बाद भी किसी को अपना वादा याद नहीं है। धनबाद के बीजेपी सांसद पीएन सिंह भी लाल फीताशाही से नाराज हैं। मैंने मुख्य सचिव से भी वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन 3-3 प्रयास में सफल नहीं, फोन नहीं उठाई। फिर एक मैसेज भी हमने पास ओवर किया, पता नहीं सिम कार्ड बदल गया है या पुराना नंबर डिलीट हो गया है, क्या कारण से। ऐसे में शशिकांत पांडे के परिजन सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि जो सरकार ने सहानुभूति दिखाई थी वो क्या सिर्फ दिखावे के लिए थी। कैमरामैन शाहनवाज के साथ अभिषेक कुमार, ईटीवी न्यूज, धनबाद। झारखंड के विस्थापित